केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नगर निगम मेरठ में बिना रिश्वत कोई काम संभव नहीं है। रिश्वतखोरी की आदत इस कदर हो चुकी है कि इसके लिए स्टाफ द्वारा राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाउस गृह पुरानी ही दर पर देय होगा, उसमें इजाफा ना हो, इसे लेकर भी गृह विभाग के अफसर व स्टाफ विवादों के साए में है। रिश्वत लेते ना पकड़े जाए, इसके लिए अधीनस्थ को पैसा वसूलने में लगा दिया गया है। आज ऐसे ही एक मामले में एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अनुजय मुनावर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि RI जितेंद्र मौके से भागने में सफल रहा। एंटी करप्शन टीम मुनावर को गिरफ्तार कर दहली गेट थाने ले आई है। इस बारे में किदवई नगर निवासी जफर ने फर्स्ट बाइट टीवी को बताया कि गृहकर का इन दिनों सर्वे चल रहा है। नगर निगम की टीम के RI जितेंद्र ने संपर्क करने पर कहा कि यदि 5,000 दे दे तो हाउस टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे, यानी जेब गर्म होने पर राजस्व का सीधा सीधा नुकसान। अब सुनिए क्या बताया जफर ने। मोहम्मद जफर। जफर, आज क्या घटनाक्रम हुआ है? घटना ये हुई है जी, नगर निगम में आया था मैं, तो जितेंद्र जो है इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझसे रिश्वत के लिए पैसे मांगे थे 5,000 रुपये, और उन्होंने कहा था 15 दिन पहले कि अगर मैं ना मिलूं तो बाबू मुनव्वर को पैसे दे देना 5,000 रुपये। और नगर निगम का जो हाउस टैक्स का जो मैटर होता है, उस चीज़ के लिए पैसे मांगे थे। हाउस टैक्स कितना लगाया था, क्या पूरा हाउस टैक्स ये ज़्यादा बढ़कर लिख रहे थे कॉमर्शल में, तो उस चीज़ के पैसे मांग रहे थे मेरे से, उसे कम करने के लिए। जी, कम करने के लिए। जी, तो आज क्या हुआ? आज मुझे फ़ोन करके बुलाया इन लोगों ने कि भाई पैसे ले आओ, नहीं तो हम कॉमर्शल में लिख देंगे। तो आपने शिकायत कहाँ करी थी? मैंने एंटी करप्शन में शिकायत की थी, और फिर उसके बाद मैं इधर आया हूँ। तो कितने पैसे दिए थे? 5,000 रुपये रिश्वत के दिए मैंने। अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि जो है हमारा एक मुंशी है मुनव्वर आड़ा, उसे कुछ पैसे लेते हुए एंटी करप्शन ने ट्रैप किया है। तो एंटी करप्शन की टीम भी अभी मेरे पास आई थी, उसने बताया कि जिस इंस्पेक्टर की शिकायत हुई थी उसका नाम जितेंद्र कुमार है, उसने संबंधित पार्टी से कुछ डिमांड रखा और वो जो है नहीं आया, उसने किसी को कह दिया जो है सामान लेने के लिए, और वो लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हम लोग एज ए अधिकारी सभी को ये नैतिक शिक्षा देते रहते हैं कि इस तरह का काम न किया जाए, लेकिन अगर किसी ने किया है तो ये गलत है। सरकार, शासन प्रशासन सब भ्रष्टाचार मुक्त जो है विभाग बनाना चाहता है, हम लोग उसी दिशा में प्रयत्नशील हैं, लेकिन अगर कोई गलती करेगा, हमारा आपका कहा नहीं मानेगा, तो भाई वो दंडित तो होगा कानून के तहत। नहीं, अभी तो जिसको पकड़ा गया है, अब आगे की कार्रवाई वो लोग बताएंगे। इतना आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? हमारी तरफ से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाँ, विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, जेल जाने के बाद जो भी जेल जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आगे ऐसा स्टेप ना उठाए, ये तो हम लोग लगातार देते रहते हैं कि इस तरह के कोई काम ना किए जाएं, सबको सपोर्ट किया जाए, जो वाजिब टैक्स है वो लगाया जाए, और किसी को भी जो है अनावश्यक जो है वो बाउंस बातें ना की जाएं किसी से जो है ना। तो हमारा, हम लोग कटिबद्ध हैं जो है ईमानदारी से सब लोग के साथ काम करने के लिए, है ना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।